Hello students, so welcome to Statistic Pedia. Now today's lecture is all about some short tips and tricks which are related to your random variable. तो बेसिकली क्या है आज का जो लेक्चर होगा वो की पॉइंट्स पर बेस्ड होगा, मतलब कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि CDF क्या होता है और क्वेश्चंस में देखा था कि CDF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. Now in this we will understand and we will implement this concept of CDF onto the certain questions in a very fast manner. मतलब कैसे आप rapidly और fastly CDF के concept को apply करते हैं in order to solve the questions. What is the first part? Now working rule. Now what I have written over here? How to find the type of a random variable with the help of the CDF. मतलब अगर आपको CDF given है, distribution function given है, तो हमें नेचर ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे डिटरमाइन करना है ना. व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, कि डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जब CDF गिवन होता है तो हमारा पहला स्टेप या वर्किंग रूल क्या होना चाहिए, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं. सो सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में, इन द क्वेश्चन If fx is given to you, now fx क्या होता है? Probability x it is less than equals to some real number x. So please visit to my channel and find it out in the previous lectures, जहाँ पे मैंने completely describe किया है कि fx निकालते कैसे हैं, कैसे apply करते हैं अगर x आपका discrete या continuous है. आज हम ये देख रहे हैं कि question में आपको ये given है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? व्हाट शुड बी द वर्किंग प्रोसीजर, व्हाट शुड बी द वर्किंग रूल? व्हाट यू हैव टू डू इज आपको प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकालना है. तो वो कैसे निकालते हैं? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस. नाउ व्हाट इज एफ एक्स? यहाँ पे हम किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. एफ एक्स जो आपको क्वेश्चन में CDF गिवन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स माइनस. इसका मतलब क्या है? सपोज अगर मुझे एट अ पॉइंट वन निकालना है, रियल नंबर वन पे, तो एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ वन माइनस. तो एफ ऑफ वन मतलब जब वन के इक्वल होगा, और वन माइनस मतलब लेस देन वन, वन से पहले जो CDF की वैल्यू होगी जब हम यहाँ पे इस पे पुट करेंगे. नाउ तब तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस. एंड इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन इट इज अ डिस्क्रीट. सो वंस अगेन आई एम पॉइंटिंग इट आउट कि दिस इज अ लेक्चर. All the key points or pointers which is in the short notes जिसे हम कहते हैं, तो वो हमने यहाँ पर देखा है. Now let's implement these working rule onto some questions. What should be the first rule? आप जब भी question देखें, CDF given है, आप at a point probability find कर लीजिए. ये अभी हम करेंगे solve questions. Second, अब हमें ये check करना है कि at a point ये zero आ रहा है या not equals to zero आ रहा है. तो हमने ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एक लेक्चर बनाया था टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. वहां पे इन द प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स वी हैव डिस्कस्ड. क्या डिस्कस किया था? कि एट अ पॉइंट अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे रैंडम वेरिएबल का नेचर कैसा होगा? तो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा. अगर एट अ पॉइंट इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रही है तो हमारे रैंडम वेरिएबल का नेचर कैसा होगा? डिस्क्रीट होगा. तो दिस इज अ ट्रिक वन. किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले वी नीड टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट. तो देखो इसी को हमने लिखा है. हमने एक तरह से वी आर सीइंग द शॉर्ट नोट्स, राइट? सो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आप एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे. सेकेंडली हम एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. एंड वॉट इज अ फॉर्मूला? एफ ऑफ एक्स माइनस. देन वॉट इज द रिजल्ट फॉर दिस? अगर एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी जीरो है तब तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस. एंड इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन इट इज अ डिस्क्रीट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन जो आपके शायद ISS या IIT जैम में आया हुआ है. दिस इज अ वन ऑफ द PYQ क्वेश्चन. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको CDF गिवन है फॉर ऑल दीज वैल्यूज. नाउ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें डिटरमाइन करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट का है, कंटिन्यूअस का है भी सही या नहीं है. दीज आर द फोर ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस. सो लेट्स फाइंड इट आउट एंड लेट्स डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन.
क्या करना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एट एन पॉइंट्स निकालना है. तो एन पॉइंट्स क्या है इसके, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है. तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट जीरो निकालेंगे. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दैट, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस. तो एफ ऑफ जीरो मतलब जब रियल जो वैल्यू था वो इक्वल्स टू जीरो था. इक्वल्स टू जीरो में कौन सा फंक्शन था, एक्स स्क्वायर बाय फोर. तो दिस इज जीरो स्क्वायर बाय फोर. और लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो में क्या था, जीरो. तो ये आ गया आपका जीरो आ गया. नेक्स्ट देखिए एक और निकालो, एट अ पॉइंट वन निकालो. तो वन क्या होगा, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस. तो एफ ऑफ वन क्या है, इक्वल्स टू वन में क्या फंक्शन था, टू एक्स. तो जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पे वन डाल दो. वन माइनस मतलब लेस देन वन. तो लेस देन वन में क्या है, एक्स स्क्वायर. तो वन स्क्वायर बाय फोर. तो ये हो गया आपका वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहीं से आपको आइडिया लग गया है कि ठीक है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो सकता है कंटिन्यूअस, क्योंकि एट अ पॉइंट जीरो आ रहा है. बट स्टिल हम फटाफट एक बार देख लेते हैं, तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एंड टू इज लेस देन इक्वल्स टू टू, इक्वालिटी साइन यहाँ पर आ रहा है. जस्ट पुट द वैल्यू. तो अभी मैं सिंपल वैल्यू डाल रही हूँ यहाँ पर, टू स्क्वायर. तो ये वन हो गया, प्लस यहाँ पे आपने टू वैल्यू डाला तो ये आपका हो गया थ्री. और माइनस फाइव बाय टू, ओ सॉरी माइनस फाइव बाय फोर माइनस लेस देन टू पे, ये लेस देन टू है, एक्स इज लेस देन टू. तो यहाँ पे आप डालेंगे तो ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, ये हो जाएगा आपका थ्री बाय फोर. टी एट एक्स इक्वल्स टू थ्री, दैट इज एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ थ्री माइनस, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थ्री पॉइंट. जब इक्वालिटी थ्री आ रही है तो इस पे वैल्यू हो गई आपकी वन माइनस थ्री माइनस, मतलब ये वाला फंक्शन लेस देन थ्री. तो वन सेवन में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, माइनस नाइन बाय फोर प्लस नाइन बाय टू माइनस फाइव बाय फोर. तो ये हो जाएगा वन माइनस, एंड दिस इज योर माइनस का आ जाएगा ये फोर्टीन बाय फोर प्लस नाइन बाय टू. ठीक है, तो वॉट आई एम राइटिंग इज, सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व कि ईच फॉर ईच एक्स प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट जीरो. तो हमने जब ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर एट अ पॉइंट जीरो है तो वेरिएबल का नेचर कैसा होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा. यही था हमारा की कंक्लूजन इफ एट अ पॉइंट जीरो. सो ये देखो एट अ पॉइंट जीरो है तो दिस इज कंटिन्यूअस. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नाउ हियर द फोर ऑप्शन आर गिवन फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. क्वेश्चन क्या है, एक कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसका आपको सी डी एफ गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड वी नीड टू इवेल्युएट दीज टू प्रोबेबिलिटीज. तो सबसे पहला वर्किंग रूल क्या था, एंड पॉइंट्स पे चेक करना. ठीक है, सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारे रैंडम वेरिएबल का नेचर क्या है. तो एंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सिर्फ जीरो है. ठीक है, तो हम जीरो पे चेक कर लेंगे. व्हाट वाज द फॉर्मूला, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस. तो जीरो इक्वल जीरो पे क्या था, देखो यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है तो इक्वल जीरो पे, तो यहाँ हम जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन. और लेस देन जीरो, बाकी सारी वैल्यूज पे क्या होगा, जीरो होगा. तो आपका आंसर हो गया 0.3. तो यहाँ पे हमने देखा प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. यही हमारा कंक्लूजन था, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल्स टू फोर. तो आपको पता है व्हाट यू नो, यू नो कि इफ सी डी एफ की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक्स इट इज लेस देन इक्वल्स टू फोर होती है. तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू फोर है तो ये एफ फोर हो गया, एफ फोर हो गया. तो सिंपली यहाँ पे इसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे फोर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सम सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ दिस फोर. तो यहाँ पे जब आप फोर पुट करेंगे, ओ सॉरी, तो ये माइनस ऑफ फोर आएगा. ठीक है, लेस देन फोर. सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर हमने सबसे पहले वर्किंग रूल देखा है कि सी डी एफ इज गिविन टू यू, देन हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द रैंडम वेरिएबल, कि वो डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है. अगर एट अ पॉइंट हम पहले उसके एंड पॉइंट्स पे चेक करते हैं, जीरो आता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है, नॉट जीरो आता है तो डिस्क्रीट हो जाता है. ठीक है, तो वो हमने सीखा है. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक ट्रिक टू देखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक टू.
ठीक है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द CDF, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.